So hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. And आज की वीडियो में मैं अपनी न्यू सेशन की बुक्स को अनबॉक्स करने जा रही हूँ फाइनली. एंड अभी मैं बुक्स लेके आई हूँ और मैंने सोचा कि बस आपको दिखा देती हूँ और ये मेमोरी भी हो जाएगी. सो मैं हो गई हूँ 6th ग्रेड में. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो दिस इज द पैक ऑफ माय बुक्स. मतलब हमें ऐसे वाइट पॉलिथीन में हमें दे देते हैं बुक्स जिससे ये थोड़ी सी क्लीन रहे. एंड यस, अब हम शुरू करते हैं. बस हम इसे ओपन करेंगे. और मैं 6th स्टैंडर्ड में हो गई हूँ. हमारे 4 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है एंड मैंने अभी तक नहीं देखी कैसी है. सो यस, तो फर्स्ट इज द नेम स्लिप्स जो हमें स्कूल से प्रोवाइड होती हैं. सो मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगी, नेम स्लिप्स. और नेक्स्ट है हमारे पास ये जो लिस्ट है बुक्स की. दिस इज ये बुक्स की स्लिप. एंड लेट्स सी फर्स्ट बुक कौन सी होती है. सो दिस इज माई SST की बुक. और ये बहुत सुंदर है. लुक, ये हमारी SST की बुक है. एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरी बाइंडिंग पहले से हुई है. सो ये देखो, ये हमारी बुक का कंटेंट. यहाँ पे हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स लग गई है. और ये है इंट्रोडक्शन हिस्ट्री. एंड ये बहुत मोटी बुक है. लुक, 12 चैप्टर हिस्ट्री के, 8 चैप्टर ज्योग्राफी के एंड 9 चैप्टर है सिविक्स के. बस अब पढ़ाई अभी से शुरू करनी है हमने. नेक्स्ट है हमारे पास ये कंप्यूटर की बुक. और ये देखो, ये हमारी पिछली क्लास जैसी है, 6th ग्रेड. सो ये हमारी पिछली जैसी बुक है. इसका मैं आपको जल्दी जल्दी से कंटेंट दिखा देती हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा हमारे कौन से चैप्टर्स आए हैं. सो ये है 9 चैप्टर्स हैं यहाँ पे. कंप्यूटर लैंग्वेज 1st चैप्टर. सो ये पिछली जैसी बुक ही है. एंड अब सिलेबस बहुत ज़्यादा होने वाला है. सो फाइनली माई फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें मेरे फुल मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम्स में. तो दिस इज माई साइंस की बुक. और ये भी बहुत मोटी कर दी है इन्होंने. और ये बुक है, बहुत सुंदर है. इस बारी प्रिंट इनका ने बहुत सुंदर बनाया है. तो ये कंटेंट है इसका. इसमें हमारे पास 17 चैप्टर्स हैं. एंड जो 1st चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ फूड, 1 सोर्स ऑफ फूड. सो दिस इज हाउ इट इज. और मुझे इसमें ना बहुत बुरी बात लगती है कि इन्होंने राइटिंग बहुत छोटी कर दी है और फिर दिखता नहीं है अच्छे से लुक. एंड पढ़ाई तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी. 6th है, बिग क्लास है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हुआ है. एंड नेक्स्ट है हमारे पास हमारी पंजाबी की बुक. बिकॉज पंजाब में है तो पंजाबी ज़रूर है, मैंडेटरी है. सो ये मेरी पंजाबी की ग्रामर है जो कि पिंक कलर की कर दी है. ओ माय गॉड, मतलब सच में पिंक कलर की कौन करता है बुक को. एंड नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पंजाबी की रीडर बुक जो कि बहुत छोटी कर दी है इन्होंने. पहले ना इसलिए थोड़ी सी मोटी थी बट नाउ इट इज़ गुड. सो इन्होंने सारी बुक्स चेंज कर दी है पिछली बारी से. सो हम बिल्कुल भी किसी और की बुक्स नहीं ले सकते. सो मे बी हमारे चैप्टर सेम हो बट बाहर की तो चेंज कर दिया उन्होंने. सो दिस इज दी कंटेंट. एंड इसमें 16 चैप्टर्स हैं. सो यहाँ पे हमारे हमें गुरुजी के बारे में बताया गया है.
This is how it is. और अब है हमारे पास हिंदी की व्याकरण, मतलब की ग्रामर. और इन्होंने इसका भी क्या किया है, इसमें हम इन्होंने नियॉन कलर कर दिया है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है नियॉन कलर. बुक्स पहले बहुत अच्छी थी, कलरफुल थी, पर अभी कलरफुल नहीं है क्योंकि बिग क्लास हो गई है तो कलरफुल बुक नहीं लेते. ये पहली जैसे सेम बुक है, बस इसमें 6 कर दिया, चैप्टर चेंज है, बाहर का सेम है बिल्कुल. सो यहाँ पे है हमारे पास 6 की गुंजन. इसका जो हम देखें तो ये चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स इधर लिखे हुए हैं और आगे हैं यहाँ पे 18, मतलब इसमें 18 चैप्टर्स हैं टोटल, 9 चैप्टर्स. और ये बहुत सुंदर प्रिंट करते हैं इस बुक का, कलरफुल प्रिंट है. और ये हिंदी इसमें भी छोटी कर दी उन्होंने हैंड राइटिंग पहले से. चैप्टर्स भी बड़े बड़े हो गए हैं अब तो हिंदी के भी. नाउ नेक्स्ट, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जो कि हमारी मैथ की बुक. लुक, पहले बुक बहुत अच्छी थी और अब देखो क्या कर दिया इन्होंने बुक का. और ये है 6th की है, देख लो टेक्स्ट बुक्स के 6th की और 6th क्लास 6th, तो सेम टेक्स्ट बुक है. बट मतलब अब ये चैप्टर्स हैं एंड अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मैथ को देख के. और ये जो पहले होता था हमारे कि हमारे एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं हम, वर्कशीट होती थी, एक्सरसाइज 1.1 1.2, अब ऐसा नहीं है. देखो अब सीधा आपको ट्राई दीज ऐसे आएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि यार कैसे करें, अब कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा ये बिल्कुल भी. सो नेक्स्ट इज माई सेकेंड लास्ट बुक, जो कि है हमारी इंग्लिश थ्योरी, जो इसमें हमारे पास है ये पोइम की बुक, जो बिल्कुल भी यूज नहीं आती है, बट आप देख सकते हो इस बुक को देख. और इसका जो कंटेंट है वो मैं दिखाती हूँ आपको, और ये इसका कंटेंट है, नेचर, उमर, कॉल ऑफ द वर्ल्ड वाइड, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ. ये देखो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बहुत बड़ा कर दिया है, ये इनके वर्ड मीनिंग्स हैं. कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, अब बड़ी क्लास हो गई है, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ेगा. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल इस बारी की. एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको अच्छी लगी. सब्सक्राइब कर देना और किसके पास मेरी सेम बुक है वो दिखा देना. 1 बुक अभी लेफ्ट है, बट बाय, 1 बुक भी दिखाई देती हूँ. 1 बुक है हमारे पास ये इंग्लिश की ग्रामर बुक है. लुक, ये हमारी इंग्लिश की ग्रामर है, जो कि अब बड़ों की जो मॉड्यूल वाली होती है ना वो आ गई है हमारी इंग्लिश की ग्रामर भी. ये देखो 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, ये ऐसे है. और ये फाइल के जैसे वो भी हो गई है अब. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. ये लास्ट बुक थी, बाय बाय.